कंप्लीट इंजन किया इसका। अच्छा कंप्लीट इंजन किया है। हाँ जी ठीक है। आगे वाले इसके चेंज किए हैं, पीछे वाले साथ के हैं। अच्छा पीछे वाले साथ के, आगे वाले चेंज किए हैं, क्यों आगे के आपने टायर बड़े डाले हैं 750 के हैं, 750 16 के। इसकी हमारी 5 साल की फुल गारंटी है जी, पपड़ी की और रंग फेड हो जाए इस चीज की हमारी फुल 5 साल की फुल। जिला पड़ता है गुजरात बॉर्डर पे। गुजरात बॉर्डर पे जी। कितने किलोमीटर दूर है यहाँ से? यहाँ से होगा 800-850 किलोमीटर होगा। 800-850 किलोमीटर, बहुत दूर से आए हो। ठीक है, तो आप जब ट्रैक्टर देने आए थे तो चला के लेके आए थे? चला के लेके आए थे। बहुत दूर से ले आए चला के। कितने दिन में पहुंचे थे? दो दिन में पहुंचे थे। कुछ चीजें तो इसके पर्सन का, इनके पर्सन का किया। अच्छा। कुछ चीजें है जो हमारे पर्सन की की। आपके होंगे दोनों के पर्सन। वो क्या है कि इनको मेरे को बेचना नहीं था। अच्छा। बेचना नहीं था तो घर पे दूसरा नया लाएंगे तो ये क्या पड़ा रहेगा, तो पड़ा रहे तो सड़े जाएगा। हाँ। रोज की प्रॉब्लम फोटो आती थी मेरे पास, इसमें ये गड़बड़ है अंकल जी, इसमें ये गड़बड़ है, तो मैंने बोल दिया कि ये काम कर दो, ये अच्छा, काम कर दो। मतलब आपसे बिना पूछे इन्होंने कुछ ही कोई काम नहीं किया? कुछ ही काम नहीं किया। हरियाणा बंदे कैसे लगे आपको? अच्छे लगे, तो अच्छे लगे, अच्छे ही लगे। थोड़ा झटका ले, थोड़ा राम पड़ा, थोड़ा झटका ले, ब्रेक पर पैर रख के हाथ रे सामले, सिद्धो है हाथ रेस ले ले, ब्रेक सामले एकदम झटका ले। थोड़ा जाकी कर ले, राम पड़ा थोड़ा जाकी कर ले पहला है, चल फिर वरना मकलाट देखी। बस सही है, बंद कर दे, ठीक है बंद कर दे बस। आगे लिया नहीं, आगे लिया और लिया और लिया, बस बस। नमस्कार, राम राम किसान भाइयों। तो भाई आज आपको 36-10 ट्रैक्टर दिखा रहा हूँ। तो रामफल मिस्त्री ने ये ट्रैक्टर मॉडिफाई किया है और इन्होंने ये ट्रैक्टर मॉडिफाई करवाया है और सुभाष मिस्त्री भी अपने साथ है भाई। तो सभी चीज़ों के बारे आपको दिखाएंगे, पहले अभी क्या क्या चीज़ें इस ट्रैक्टर के अंदर रामफल ने भाई ऐड की है और इन्होंने भी क्या क्या चीज़ें ऐड करो, कहाँ से ये पता करके ट्रैक्टर मॉडिफाई करवाने आए हैं। तो रामफल अभी पहले बता भाई, इस ट्रैक्टर में क्या क्या आपने चेंज किए हैं?
इसमें भाई साहब पहले एक तो नए मॉडल का ई पी आई 60 का ये पावर स्टीयरिंग किया है इसमें। अच्छा, हिसार वगैरह सभी है, चेंज किया है। कंप्लीट ओरिजिनल इसका। अच्छा, ई पी आई 60 में जो अभी नए मॉडल में आते हैं वो इसका पावर स्टीयरिंग किया है जी। ठीक है। और कंप्लीट इंजन किया है इसका। अच्छा, कंप्लीट इंजन किया है। हाँ जी, ठीक है। और क्लच का कंप्लीट काम हुआ है। ठीक है जी। और ये इसके अलावा से मेसी की रेस ये नए मोड लगाई है। अच्छा, ये मेसी के जो अभी मेसी के ट्रैक्टर जो ट्रेंड में आई थी ये आपने ऐड किए इसके। और ये ईपीआई के पायदान लगाए। अच्छा, ये 60 में ऊंचे पायदान कर दिए। हाँ जी, ठीक है जी। और इसके अलावा एक इसका डबल डिस्ट्रीब्यूटर किया इसमें। अच्छा, ये देखो अभी डबल डिस्ट्रीब्यूटर किया इन्होंने। ठीक है, और क्या काम किया अभी इसमें? एक ऑयल ब्रेक की है। अच्छा, तेल की ब्रेक कर दी। तेल ब्रेक कर दी इसमें। ठीक है। और ये पाए मुर्गाड है, ये भी ईपीआई 60 के है। ईपीआई क्लासिक के जो आ रहे हैं, क्लासिक मॉडल के जो अभी नए आए, नए डले, नए डाले। ठीक है जी। और क्या क्या आपने किया है जी? रिम वगैरह साथ किए हैं या चेंज किए? आगे वाले इसके चेंज किए हैं, पीछे वाले साथ के हैं जी। अच्छा, पीछे वाले साथ के, आगे वाले चेंज किए हैं। क्यों? आगे के आपने टायर बड़े डाले हैं, 750 के हैं, 750-16 के बड़े डाले हैं। पहले छोटे थे 616 वाले, बीकेटी कंपनी, बीकेटी के आगे के टायर हो गए। पीछे के एमआरएफ का है। अच्छा, 14 के टायर है पीछे, 14-28 का। तो ये फिर बीकेटी के डलवा देते दोनों ही ना? उनकी थोड़ी सी वो, अच्छा, इनकी वो तीन लाइनों में ना वो एमआरएफ में आते नहीं है टायर। अच्छा, तो पीछे वाले बीकेटी डलवा देते हैं। इनकी चॉइस थी, अलग अलग चॉइस थी। अच्छा, इनकी खुद की चॉइस थी भाई, किसान की भी, इन्होंने पीछे वाले एमआरएफ के डलवाने थे। और पीछे इसके में ट्रैक्टर में आपने क्या क्या ऐड ऑन किया जी? पीछे ये एक हुक है, इसमें अलग से एक्स्ट्रा की है। अच्छा, ये हुक आपने, ये खुद ही तैयार किया आपने? हाँ, खुद ही तैयार किया। ठीक है। और क्या क्या पीछे ऐड किया आपने? और ये जो इसके जैक का ये साइड वाले, अच्छा साइड वाले, ये नए मॉडल में पहले नहीं आते थे, अभी इसमें नए मॉडल पे डाले। ठीक है। ये दो पाइप हो गई। डबल डिस्ट्रीब्यूटर कर दिया आपने? हाँ, इसको डबल डिस्ट्रीब्यूटर कर दिया जी। अच्छा, पीछे से सिंगल ही है? हाँ जी, वहाँ ना डबल ही है, दोनों काम करेगा, डबल डिस्ट्रीब्यूटर में काम। अच्छा, काम दोनों करेंगे। ठीक है। तो ये जो आज, अच्छा ये आपने वोटर होल्डर लगा दिया? रिफ्लेक्टर वगैरह लगा दिया इसमें। चार्जिंग सेट भी है, मोबाइल चार्जर सेट लगा दिया इसमें। ठीक है जी। और ये एक टूल इन्होंने एक्स्ट्रा लगवाया है। अच्छा, ये इन्होंने लगवाया, आपने कोई ऐड नहीं? आपकी इनकी चॉइस है, चॉइस थी। ठीक है। पीछे आपने और क्या क्या काम किया इसका? एक तो इंजन का किया है, गियर का भी किया है? हाँ, गियर का काम कंप्लीट किया है, लिफ्ट कंप्लीट किया है, ऑयल ब्रेक, तेल ब्रेक कर दी इसकी कंप्लीट, कंपनी की जेन्युइन 16 मॉडल ट्रैक्टर की डाली है इसमें। अच्छा, 16 मॉडल ट्रैक्टर की कंप्लीट ओरिजिनल डाली है? ओरिजिनल डाली है। ठीक है जी। और बाकी है उड़की छतरी वगैरह, ये आपने डाली है? हाँ, छतरी ये वगैरह, हाँ मंगवाई थी ये छतरी, यहाँ ही फिटिंग की है इसकी। अच्छा, यही फिटिंग की है। और ये कि नए मॉडल का पाना है टूल बॉक्स। अच्छा, ये टूल बॉक्स भी आपने? हाँ, नए मॉडल का। एक इसमें ना गियर का जो इसमें दिक्कत आती थी पहले, डबल गियर लगा तो उसका नए मॉडल का सिस्टम कर दिया है इसका, डबल गियर नहीं फंसेगा कभी। अच्छा, डबल गियर फंसेगा नहीं? कभी नहीं फंसेगा, कभी नहीं। और ये एक नए मॉडल में एक अलग से सिस्टम इसका टापे पर, अच्छा टापे पर ये वो कर दिया। अच्छा अच्छा, अपने सुभाष मिस्त्री है जी। अच्छा, इन्होंने किया खराद का? हां जी, खराद। ठीक है। एक अच्छा, और ये हमने पंप का सिस्टम उसी प्लेट में लगाया है। अच्छा, उसी प्लेट में, उसी प्लेट में ये पंप हमने अलग से तेल का, इसके ऊपर से टंकी लगा के अलग से, मतलब इसका तेल अलग से, इसका डबल देती है ना, तो कंपनी हमने वही कर अलग अलग। अच्छा, आपने वही कर दिया, ये आपने किया डबल में ऐसे 12,000 रुपए, 12,500 रुपए का ये आता है। तो एक खराब हो गया तो वो सेट ही बदलना पड़ता है, इसके लिए दोनों लिफ्ट का अलग है और ये पावर स्टीयरिंग का, दोनों का कनेक्शन अलग 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 कर दिया। ठीक है। ये भी नए मॉडल की जाली है जो ये नए मॉडल की हमने लगाई है। ये टूल बॉक्स भी नए मॉडल का अलग से फिट किया है। तो रामपड़ पेंट वगैरह कौन सा किया है? क्या गारंटी वारंटी इसकी रहती है? गारंटी इसकी हमारी 5 साल की फुल गारंटी है जी। पपड़ी की और रंग फेड हो जाए, पिक्का हो जाए, इस चीज की हमारी फुल गारंटी। 5 साल की फुल गारंटी, धूप में जैसे पानी में मर्जी रखो आप इसको ट्रैक्टर। ठीक है। बाकी भाई शाइनिंग वगैरह आप कलर की दे सकते हो, बाकी ट्रैक्टर की आप ना ओवरऑल लुक दे सकते हो, कैसा लगा कैसा नहीं लगा। नए मॉडल का किया इसमें। अच्छा, एयर कलर आपने नए मॉडल का लगाया। ठीक है। आगे बंपर, ये बम्पर आपकी पसंद थी कि इन्होंने खुद पसंद किया था? 85 किलो वजन का है ये। 85 किलो वजन का है। और लाइट वगैरह भी आपने ये पावर ट्रैक की लगाई है या 60 EPI की लगाई है? ये EPI 60 की है जी, नए मॉडल में। EPI 60 की क्लासिक मॉडल में। ठीक है। तो रामपुर कितना का टाइम लग गया था इसको आप तैयार करने का? इसको 1.5 महीना लग गया। 1.5 महीना लग गया। और
ये इसके बैटरी इन्होंने अंदर रखी है, जैसे कंपनी देती थी अच्छा। शुरू से वो ही बैटरी है इसके अच्छा, अंदर। ये इनकी चॉइस है अंदर रखनी है बैटरी। रेडिएटर नया है इसका। अच्छा रेडिएटर भी नया है। ये डीजल स्प्लिटर है, ये भी इसका नया मॉडल का कर दिया सिस्टम, ये सारा पाइप। अच्छा ये पाइप वगैरह ये सारा नए मॉडल का सिस्टम कर दिया। ठीक है, मगर सारा आपने ओवरऑल काम किया ट्रैक्टर का। ठीक है जी, बाकी इसमें कोई पावर वगैरह भी आपने कोई बताई है या अभी वही रखी है उतनी पावर? इसकी ऐसे पंप से थोड़ी पावर बताई है इसकी जी। अच्छा। इसमें जो 36 में पहले इसकी कंपनी देती है, अभी इसमें फार्म ट्रक 60 वाला इसमें पंप नोजल का काम कर दिया। अच्छा 60 वाला पंप नोजल काम कर दिया, नोजल 60 का कर दिया इसके अंदर, इससे पावर इसकी थोड़ी और बढ़ गई है। ठीक है, एक बार स्लप लगाना ट्रैक्टर की आवाज स्टार्ट कर दिखाओ, आवाज अलग से बढ़िया मिलेगी जी, आवाज वगैरह ट्रैक्टर की देख लेते हैं भाई। देखो ट्रैक्टर की आवाज कितनी प्यारी है जी। देखो मीटर वगैरह भी चेंज किया है क्या रामफल? ऊपर चढ़ कर करियो स्टार्ट भाई, मीटर वगैरह भी चेंज। और ये स्टेयरिंग भी नए मॉडल का लगाया? मीटर नए मॉडल फार्म ट्रक 60 का है। अच्छा, इसमें एक ये हमने अलग से वो, अच्छा ये भाई आप ट्रैक्टर की है ना आवाज वगैरह दे सकते हो, लाइटिंग वगैरह कर दो जी, बंद कर दो। कभी किसान से पूछते हैं भाई, कर दो बंद कर दो। आ जाओ जी अंकल जी, आ जाओ, बताओ जी, आ जाओ भैया, कहाँ गए वो? नमस्कार जी, कहाँ से हो जी आप जी? मैं हूँ राजस्थान से हूँ, सिरोही जिले का हूँ। अच्छा, नमस्कार जी, आप कहाँ पड़ता है ये? ये पड़ता है सिरोही जिला, पड़ता है गुजरात बॉर्डर पे। गुजरात बॉर्डर पे जी। कितने किलोमीटर दूर है यहाँ से? यहाँ से होगा 800-850 किलोमीटर होगा। 800-850 किलोमीटर जी, बहुत दूर से आए हो। होगा। ठीक है, तो आप जब ट्रैक्टर देने आए थे तो चला के लेके आए थे या? चला के लेके आए थे। बहुत दूर से लाए चला जी। कितने दिन में पहुँचे थे? दो दिन में पहुँचे थे। तो दिन आप 400 किलोमीटर कटाया था ट्रैक्टर ने। रामफल का आपको कैसे पता लगा? वो YouTube पे वीडियो देखे और फिर YouTube पे बात की उन्होंने। अच्छा, YouTube पे वीडियो देख के आपने फिर कांटेक्ट किया इनसे? और मैं यहाँ पे मिलने आ गया। अच्छा, पहले ट्रैक्टर यहाँ देने से पहले मिलने आए थे आप? मिलने। बाद में आप ट्रैक्टर लेके आए थे? ठीक है, एक चीज़ बताओ, आपने ये अपने पसंद का तैयार करवाया या इसने कुछ चीज़ें इसमें ऐड की हैं? कुछ चीज़ें तो इसके पसंद का, इनके पसंद का किया। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं जो हमारे पसंद की आपके पसंद? हाँ, दोनों के पसंद। बाकी का काम है जो इनके जो किया उनमें मुझको बहुत संतुष्टि मिली, बहुत संतुष्टि मिली, बहुत खुश हो गया हूँ मैं, बहुत खुश हो गया हूँ। ठीक है, धन्यवाद है मिस्त्री को, इतनी दूर आके भी ये हमारा काम किया है, इतना अच्छा काम किया है, तो हमको बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो अंकल ये ट्रैक्टर आपने नया ही निकलवाया था? नया ही निकलवाया था कंपनी से। क्या मॉडल ट्रैक्टर है ये? वो एकरोन मॉडल है, 91 मॉडल है, 1991 मॉडल है। ठीक है, तो आपने पुराना ही तैयार करवाया, नया क्यों नहीं लिया? वो क्या है कि इनको मेरे को बेचना नहीं था। अच्छा, बेचना नहीं था तो घर पे दूसरा नया लाएंगे तो ये क्या पड़ा रहेगा, तो पड़ा रहे तो सड़े जाएगा। हाँ हाँ, इसलिए मैंने यही सोचा कि वो पैसे उसमें ही डाल दूँ। ठीक है, तो उसमें मेरे को बहुत फायदे हुआ, काम भी हुआ, 10 साल तक देखने का काम नहीं है उसमें। ठीक है, इतना बड़ा फायदा हुआ उससे। ठीक है, तो वहाँ आपके कोई आसपास मिस्त्री नहीं था? है मिस्त्री, है छोटे बड़े मिस्त्री है, लेकिन अच्छा सामान नहीं मिलता, सामान मुश्किल है। वहाँ से पता किया था आपने? नहीं पता किया, नहीं किया, नहीं। आपने सीधा इसे कांटेक्ट किया? नहीं, आपने ऐसा किया अभी और मिस्त्री से ट्राई वगैरह की हो यहीं कहीं आसपास, या कोई और वीडियो देख के पता किया हो? नहीं, कहा था उन्होंने, बोला 6 महीने लगेंगे, 6 महीने लगेंगे, और किसी को बोला था वो 4 महीने कहता था, और किसी को बोला था वो 8 महीने बोला, उसलिए मैंने इनसे बात की तो 2-1.5 महीने में मैं दे दूंगा। अच्छा, 1.5-2 महीने में? हाँ, तो 1.5 महीने का मैं हमारा काम पूरा कर दिया। अच्छा, एक महीना 15 दिन में काम पूरा कर दिया। एक तो, चीज जो चीज इसने बोली थी जी, उसमें कितना संतुष्ट हो आप? बहुत, पूरा संतुष्ट हूँ मैं, पूरा संतुष्ट। जो चीज बोली वही आपको दी है, जो प्राइस बोला उसी में आपको काम करके दिया, उसी में काम करके दिया, बाकी तो आपने जो जो चीज ऐड करा उस हिसाब से पैसे लगे। वो तो पैसे लगते ही है, लेकिन जो उन्होंने बोला था उसमें हमको 1 रुपये का भी ज्यादा खर्चा नहीं करवाया। 1 रुपये का ज्यादा खर्चा नहीं नहीं करवाया उनमें, करीबन 2000 का फायदा ही करवाया। फायदा करवाया फायदा ही करवाया। ठीक है,
बाकी आपका फोन पे कांटेक्ट होता था, अभी आज मैंने ये काम कर दिया, आपके पास प्रॉपर फोटो आती थी? रोज की प्रॉपर फोटो आती थी मेरे पास, इसमें ये गड़बड़ है अंकल जी, इसमें ये गड़बड़ है, तो मैंने बोल दिया कि ये काम कर दो, ये अच्छा, काम कर दो। मतलब आपसे बिना पूछे इन्होंने कुछ ही काम नहीं किया? कुछ काम नहीं किया बिना पूछे, ठीक है, हर काम किया, पर काम का पूछ के काम किया है, इसमें ये थोड़ा सा दाग है, उसमें वो बेयरिंग थोड़ा सा हल्का है, तो हमने बोला दूसरा डाल दो तो डाल दिया। ठीक है, एक चीज बताओ जी, कई मिस्त्री क्या करते हैं जी, जो पुरानी चीजें होगी चेंज कर दी वो देते नहीं किसान को वापसी, तो इन्होंने वो आपको सारी पुरानी चीज वापसी दी है? सारी वापसी दी, पुरानी चीज अभी भी हमारे गाड़ी में पड़ी है। अच्छा। आप आके देखनी है तो देख लो, कोई चीज हमने बेची है, हमारे हाथ से हमने बेची है, उन्होंने उसमें कोई खाया नहीं। अच्छा, पूरा पूरा हमारा का जो सामान था वो हमारे को सुपुर्द किया कि ये सामान आपका है। अच्छा, तो हमको जैसा के कामाड़ी में यही दे देते, तो इन्होंने साथ में आको कोबाड़ी में बेच दिया। ठीक है, मतलब आपसे बिना पूछे कोई काम? कोई काम नहीं किया। ठीक, अब आप इसको गाड़ी में लेके जा रहे हो? गाड़ी में लेके जा रहे हैं। ठीक है जी, तो भाई रामफड़ अपना कोई कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह बता दे भाई, अगर किसी ने कॉन्टैक्ट करना हो तो आ जाओ सामने, यार मिस्त्री दोनों आप आ जाओ, अपने कॉन्टैक्ट नंबर बता दो भाई। कॉन्टैक्ट नंबर ये है जी, 94-166-41-106। अच्छा, और एड्रेस वगैरह? फतेहाबाद ऑटो मार्केट जी, 14 नंबर शॉप है अपने। ठीक है जी, हरियाणा में। हरियाणा में, और आपका जी को किस चीज़ का काम करते हैं? वर्कशॉप है जी, खराद का काम है। मैं अच्छा, आपने जो खराद का काम इसका सब आपने किया? तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर है सब इसमें, मेरा 94-663-30-323 नंबर है। ठीक है जी, ऑटो मार्केट 96 नंबर शॉप में। ठीक है, ठीक है अंकल जी, बधाई हो आपको जी, आपने ट्रैक्टर एकदम वासी नया जैसा ही कर लिया। धन्यवाद, संतुष्ट हो पूरा एकदम? पूरा पूरा संतुष्ट। हरियाणा बंदे कैसे लगे आपको जी? अच्छे लगे, तो अच्छे लगे, अच्छे ही लगे, इसलिए तो आए ना। चलो ठीक है जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो वीडियो को शेयर करना और भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, यहाँ तक वीडियो देखिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।